देश की जनता को धन्यवाद बधाई देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने जिम्मेदारी दिया और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में जनता के हित के लिए बहुत बड़े बड़े कदम उठाए। शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प कराया, कापी किताब पुस्तक समय से, पूर्वांचल को सिक्स लाइन उन्होंने देने का काम किया, किसानों के लिए 36,86,00,000 किसानों को इसका लाभ मिला, मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को जो प्रधानमंत्री योजना से छूट गए थे उनको भी लाभ देने का काम किया, और हाल ही में उन्होंने ये तय किया कि प्रत्येक रविवार को हर पीएससी पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेला लगेगा, जिससे गांव के लोग, गरीब लोग, किसान लोग, मजदूर लोग, इनको बहुत लाभ मिल रहा है कि प्रत्येक पीएससी पर रविवार को पहुँचते हैं और अपना स्वास्थ्य परीक्षण भी कराते हैं, दवाइयाँ भी उनको उपलब्ध होती हैं। और सबसे किसानों के लिए इस बार जो धान की खरीद थी, गेहूं की खरीद या गन्ने की खरीद, इसका सीधे खाता आप किसान सीधे पैसा किसानों के खाते में जाता है, इससे भी किसानों को सीधे लाभ मिल रहा है। प्रत्येक जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना सरकार की जो है, तो लगभग 15-20 जनपद छोड़कर हर जनपद में मेडिकल कॉलेज पास हो गया है, इससे हमारे जो डॉक्टरों की कमी थी वो भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगी। जन औषधि केंद्र सरकार के माध्यम से जो दिए गए हैं कि किसानों को दवाइयां सस्ती मिले, इससे भी लोगों को अच्छा लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का सिलेंडर, सौभाग्य योजना के माध्यम से गरीबों को बिजली का कनेक्शन मिल रहा है, और स्वच्छता के माध्यम से घर घर में जो गरीब परिवार हैं जिनके पास शौचालय नहीं था उनको शौचालय मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हर गरीब को आवास मिल रहा है, जो शेष हैं उनको 2022 तक मिल जाएगा। इस तरह केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार गरीबों के हित के लिए काम कर रही है और आगे भी पूरी ताकत और क्षमता के साथ करती रहेगी कि हमारे देश और प्रदेश की जनता खुशहाल रहे। मंत्री जी, मौनी मिल के कर्मचारियों को 6 महीने से वेतन नहीं मिला, क्या कहेंगे? देखिए, ये पिछली सरकारों की नाकामियां थी। बसपा में कई मिलें बंद की गई थी, सपा सरकार में कई मिलें बंद की गई थी। हमने बंद पड़ी चीनी मिलों को चलाने का भी काम किया और उनकी क्षमता वृद्धि भी करने का काम किया, तो धीरे धीरे हम इस समस्या पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। जो थोड़ी बहुत समस्या बची हुई है उसका भी समाधान जल्दी कर लेंगे। सर, मऊ जिले में पूरे उसके बाद ये भी 6 महीने का वेतन नहीं मिला, ये तो पहले तो बहुत समस्या थी। पहले तो किसानों का भुगतान नहीं होता था। कब तक मिल जाएगा इन लोगों को वेतन? बहुत जल्द मिल जाएगा, बहुत जल्द इनको हम दिला देंगे। शहर में दो मिले पड़ी हुई है, इसके बारे में दो मिले बंद पड़ी है। अभी पिपराइज, मुंडेरवा, ये चीनी मिल नहीं है सर, हमारी केंद्र सरकार और हमारी प्रदेश सरकार इस पे काम कर रही है। जैसे गोरखपुर की खाद फैक्ट्री बंद चल रही थी, यूरिया फैक्ट्री, उसको भी चलाने का काम कर रही है। तो हमारी सरकार तो जितनी भी मिलें बंद पड़ी हैं, प्राथमिकता पर है कि जब ये चलेंगी तो हमारे प्रदेश के युवाओं को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा, और हमने तय भी किया है कि युवाओं को रोजगार देंगे। तो निश्चित ही जो बंद पड़ी मिलें हैं हम सब पे विचार कर रहे हैं। मंत्री जी, जो मिलें चल रही हैं उसमें जो लोग कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी लगभग 3 महीने से सैलरी अभी तक नहीं मिली है। देखो, हमने बताया नहीं कि जब 2017 में हम लोग आए थे तो बहुत टूटी फूटी व्यवस्था मिली थी, उसको हम लोग सुधार कर रहे हैं। कर्मचारी का भी हित होगा, किसान का भी हित होगा, नौजवान का भी हित होगा, सबका हित होगा। देखिए, नौकरी की आपने बात किया तो हमारी सरकार जब से आई पूरी पारदर्शिता के साथ नौकरी दे रही है। अभी पुलिस की जितनी भी भर्ती हुई है कहीं पर भी एक भी भ्रष्टाचार किसी तरह का नहीं हुआ। जो नेपाल की भर्ती हुई है, जो ग्राम विकास ग्राम पंचायत अधिकारियों की भर्ती हुई है, पूरी पारदर्शिता के साथ आज गरीब परिवार का बच्चा भी नौकरी पा रहा है।